क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? जब एक माध्यम से कोई किरण, एक माध्यम से किरण आती है और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, तो ये एक माध्यम क्या है? वायु। और दूसरा माध्यम क्या है? कांच। कांच, कांच है दूसरा माध्यम। तो एक माध्यम से प्रकाश की किरणें जब प्रवेश करती है तो दूसरा माध्यम में क्या होता है, वो दूसरा माध्यम में सीधे जाने की बजाय थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। थोड़ा सा, ये देखो, इसको अभिलंब कहते हैं, यहाँ से अभिलंब है, अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाना है कि उसका दिशा में परिवर्तित होना, यानी एक अपतित किरण जिधर से जाने का था उधर से नहीं जाएगी। हाँ, थोड़ा सा इसका दिशा में क्या हो गया? परिवर्तन। अपतित किरण का दिशा में परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन का कितना नियम है? दो नियम है। दो नियम क्या क्या बोला है? अपतित किरण और अपवर्तित किरण। देखो कौन सा अपवर्तित हुआ, या अपतित मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो ये जाना किधर था? सीधा सीधा जाना था कि नहीं? किरण सीधा जाना था, लेकिन ये कांच का माध्यम होने के कारण, ये वायु एक अलग माध्यम है, कांच में जैसे ही प्रवेश किया तो कांच एक अलग माध्यम हो गया। तो जैसे कांच में वो प्रवेश कर रहा है तो किरण इधर सीधा जाने के बजाय किधर चला गया? थोड़ा सा अभिलंब की ओर। ये देखो अभिलंब ये वाला है, थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ गया किरण। किधर मुड़ा? अभिलंब की ओर, और ये यहाँ तक आके टकरा गया। लेकिन अगर यही किरण मान लेते हैं कि माना कि यही किरण सीधा आ गया, सीधा आने के बाद वो पार होके चला जाएगा, और ये किरण यहाँ पर आगे आएगा, कांच कांच का एक बॉक्स है, ये वाला कांच का एक बॉक्स है, तो जैसे यहाँ आके टकराया, टकरा कर पार हो गया, पार होने के बाद अभिलंब की ओर मुड़ गया, मुड़ने के बाद यहाँ तक आएगा किरण, फिर यहाँ से इधर चला जाएगा। फिर जाना क्या था? इधर जाना था कि नहीं इसको? लेकिन इधर नहीं गया, वो फिर उधर मुड़ गया, और इसके समानांतर किरण तो चले जाएंगे। ये किरण आपस में कभी टकराएगा नहीं, इसके समानांतर चला जाता है। तो एक नियम में क्या बोला? अपतित किरण और अपवर्तित किरण, अपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, और दोनों सतह को अलग करने वाला जो सतह है, कांच का सतह है, ये तल तीनों एक ही जगह पर अवस्थित है, तीनों एक ही जगह पर अवस्थित है, यही बोला है पहला नियम। अपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर अवस्थित है, एक ही तल पर अवस्थित है, हो गया। दूसरा नियम क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा कि इसका जो ज्या है, अपतन कोण का ज्या, ये अल्लाह क्या है? अपतन कोण का ज्या, ज्या हम लोग ऐसा लिखते हैं ज्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? साइन। हाँ, अपतन कोण का जो साइन है, और क्या होता है, और एक तो कोण क्या बोले, क्या लिखे हैं? अपतन कोण और अपवर्तन कोण, कौन सा? ये अल्लाह आर का अनुपात, का अनुपात हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है, यानी उसका मान हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी एक ही मान होता है। हाँ, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? ना साइन आर बटा साइन आर, इस प्रकार इसका स्थिरांक को दर्शाया जाता है, यानी अनुपात, ये एक ही अनुपात में होता है, समझ गए? तो हम लोग इसके पहले क्या, कौन सा नियम पढ़ चुके थे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का नियम, अपतित कोण और परावर्तित कोण, उसमें क्या था? दर्पण था। दर्पण क्यों होता है? किरण आके टकरा कर वो वापस, मतलब अंदर नहीं चला जाता था, वो वापस चला जाता था। लेकिन ये कांच होने के कारण, ये कांच है, कांच एक पारदर्शी है, उसमें दर्पण था जो अपारदर्शी था, तो यहाँ पे पारदर्शी होने के कारण कांच, ये अपतित किरण क्या हो जाता है? पार हो जाता है, लेकिन पार वो सीधा नहीं हो पाता है, सीधा नहीं हो पाता है, वो अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाता है, यानी कि उसका दिशा में परिवर्तन। तो दिशा में परिवर्तन, किरण का जो दिशा में परिवर्तन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन कहते हैं। तो यही अपवर्तन का दो नियम है, अपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह पर होता है, एक ही तल पर होता है, एक ही बिंदु पर अवस्थित होता है, जो भी बोलिए। हाँ,
और दूसरा नियम क्या होता है ना, ये आई और आर, इसका साइन आई और साइन आर अनुपात में होता है, अनुपात में होता है, और इसका मान हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। याद हो जाएगा कि नहीं? भाई याद तो करना ही नहीं है साइंस को, साइंस को क्या करना है, समझना है। समझ गए ना जी, इस फिगर को तो समझ गए, ये कौन और ये कौन क्या होता है, अनुपात होता है, बट्टा में होता है, अनुपात मतलब बट्टा में, और इसका मान हमेशा स्थिर होता है, स्थिरांक जिसको बोलते हैं, स्थिर होता है, समझ गया ना। बस इसको भूलना नहीं, दो है, हाँ दो नियम है, उसका भी दो नियम था, इसका भी दो नियम था।